नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में त्रेता युग का पत्थर आज भी मौजूद है। त्रेता युग के इस पत्थर की कहानी अद्भुत है और अलौकिक है। ये पत्थर आज भी पानी में तैरता है। इस अद्भुत और अलौकिक पत्थर को देखने के लिए भक्तगण चित्रकूट पहुँचते हैं। इस पत्थर को पानी में तैरता देखकर भक्तगण श्री राम सेतु के अद्भुत स्वरूप को दर्शन करने का अनुभव करते हैं। त्रेता युग के पत्थर की कहानी भरत मंदिर के महंत दिव्य जीवन दास महाराज जी बताते हैं कि नल और नील दो भाई थे और उनको ईश्वर की शक्ति प्राप्त थी। जिस पत्थर को वह छू लेते वह पत्थर पानी में तैरने लगता था। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम का अपनी वानर सेना को लेकर लंका जाना हुआ तो लंका पहुंचने का कोई मार्ग ना था। ऐसे समय में समुद्र में इसी पत्थर का इस्तेमाल करके पुल बनाकर वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण लंका पहुंचे थे। रावण से युद्ध करने के लिए इस पत्थर को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु अन्य राज्यों से चित्रकूट पहुंचते हैं। श्रद्धालु भरत मंदिर में पहुंचने के बाद इस पत्थर को अपने हाथ से पानी में डुबोते हैं, लेकिन पानी में यह पत्थर नहीं डूबता है। तभी भक्तों में श्रद्धा बढ़ जाती है और भक्तों का मानना है कि त्रेता युग का यह पत्थर आज भी मौजूद है। धार्मिक नगरी चित्रकूट में त्रेता युग का पत्थर आज भी मौजूद है और उसको एक स्थान में सुरक्षित रखा गया है, जिससे श्रद्धालु यहां आकर इस पत्थर के दर्शन करें और इसके बारे में जानें। यह पत्थर रामघाट के भरत मंदिर में रखा हुआ है। इस पत्थर के दर्शन करने के लिए विशेष रूप से चित्रकूट के भरत मंदिर में भक्त आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।